बिल्कुल। चलिए इस बीच हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग से मिस्टर भरत जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं जो कि ऑटो स्पेस को काफी क्लोजली देखते हैं। भरत, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नाउ टेल अस द नेट इंपैक्ट इसका, बिकॉज बजाज ऑटो बड़ा एक एक्सपोर्टर है, उनके एक्सपोर्ट बास्केट में अच्छा खासा हिस्सा नाइजीरिया से है, लेकिन जो व्हाट इट अपीयर्स फ्रॉम फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन इज कि नाइजीरियन सेंट्रल बैंक ने जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है उनकी डॉलर की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई है। बट यू नो दीज इंस्टीट्यूशंस कैन ऑलवेज गो बैक टू द बैंकिंग स्पेस, जो नाइजीरिया के बैंक्स हैं उनमें जाके वहां से दे कैन ऑलवेज बाय और सेल डॉलर्स। तो इसका नेट इंपैक्ट कितना होता देख रहे हैं आप बजाज ऑटो पर? जी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली बजाज ऑटो के लिए नाइजीरिया बड़ा मार्केट है। उनके ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम में रफली 15% वॉल्यूम नाइजीरिया से आता है, तो डेफिनेटली नाइजीरिया बड़ा मार्केट है बजाज ऑटो के लिए। बट जैसा कि मतलब जहाँ तक मुझे पता है, जो उनका डिस्ट्रीब्यूटर है नाइजीरिया में, वो बैंक्स से डॉलर लेता है। तो जो नाइजीरियन गवर्नमेंट ने जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस पे कटेलमेंट लगाई है, तो मुझे लगता नहीं है कि उससे कुछ इंपैक्ट वॉल्यूम पर पड़ेगा बजाज ऑटो के, बिकॉज उनका डिस्ट्रीब्यूटर बैंकिंग बैंक्स से नॉर्मली डॉलर्स लेता है फॉर गिविंग टू बजाज ऑटो। सो इस अगर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस पे रोक या कटलमेंट लगाई है, तो उससे डायरेक्ट इंपैक्ट वॉल्यूम पर नहीं होगा। बट डेफिनेटली अगर करेंसी डीवैल्यू होता है और तो प्रेशर आ सकता है, या फिर अगर वो कटेलमेंट बैंक्स के ऊपर भी लगाए जाए तो बजाज ऑटो को थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकता है। बट एज ऑफ नाउ तो मुझे नहीं लगता है बजाज ऑटो को पर से कुछ वॉल्यूम पे इंपैक्ट आएगा बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन। जी ऑल राइट, चलिए भरत बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। खैर बजाज ऑटो 2261 पर इस समय ट्रेड करते हुए, हम देखते हैं आगे कुछ और अगर क्लैरिफिकेशन कंपनी की तरफ से आता है, तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक के बाद सौ जॉब का सिलसिला आगे बढ़ा।